के इस चुनाव में हमें राष्ट्रीय लोकदल का वोट नहीं मिला है, जिस पर अब हमारी पार्टी को आगे चिंतन करने की भी जरूरत है, खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल के मामले में। बीजेपी वाले भी जानते हैं, जबकि कल इनके षड्यंत्र को कुछ हद तक धूल चटाई जा सकती थी यदि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव कुंडा के राजा भैया को, जिसे एक जमाने में बीजेपी के लोग कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, जिसको मेरी रही सरकार ने इसे ठीक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो उसके वे झूठे वे फरेब वाले मकड़ जाल में नहीं फंसते। और इसके लिए इनको अपनी हर कुर्बानी देकर बीएसपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को जरूर जितवाना चाहिए था, जिसमें वे कल चूक कर गए। और यदि मैं कल इनकी जगह पर होती तो फिर मैं अपने उम्मीदवार को जितवाने की बजाय इनके अर्थात सपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए पहले प्राथमिकता देती, जिससे फिर बीजेपी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती।